नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का यूजर साइंस स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम जंतु विज्ञान की क्लास में नॉन कॉर्डेट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आज हमारे बीच में नॉन कॉर्डेट्स के ऊपर व्याख्यान देने के लिए डॉक्टर मधु थपलिया, जो कि रायपुर डिग्री इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में सीनियर प्रवक्ता है, वो हमारे बीच में है। हम मैडम आपका बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत करते हैं व आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय दिया, और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आगे की व्याख्यान को। सो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी बायोलॉजी। तो बच्चों, आज जो मैं आपको बताऊंगी, आज हम पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। जब आप जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले आपको सेल का ज्ञान होना जरूरी है, कोशिका, जो आपने इससे पहले व्याख्यान में सुना भी होगा। आज हम जानेंगे नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म के बारे में। कि जैसे आप जानते हो, आपने टेंथ में पढ़ा, ट्वेल्थ में पढ़ा कि अकशेरुकी और कशेरुकी प्राणी, जो एनिमल किंगडम है, जंतु जगत है, वो दो उसमें विभाजित है, जो किंगडम है पूरा नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। आज सबसे पहले जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप क्या क्या जानेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, फाइलम प्रोटोजोआ एंड फाइलम पॉलीफेरा। अगर हम विकास की बात जब करते हैं, जो आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो उसमें आपने ये पढ़ा है कि जो उत्पत्ति हुई है जीवन की, वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से हुई है। और वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म क्यों आप पहले फर्स्ट ईयर में नॉन कॉर्डेट्स पढ़ते हैं, क्योंकि आप जो प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप प्रोटोजोन्स, प्रोटो का मीन्स होता है प्राथमिक या प्रिमिटिव, और जोवा का मतलब होता है एनिमल्स, जून्स। तो इसीलिए आप जो पहला फाइलम पढ़ते हैं, दैट इज प्रोटोजोआ। और जब आप लास्ट फाइलम पढ़ते हैं नॉन कॉर्डेट्स में, दैट इज इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि यह माना जाता है कि जो नॉन कॉर्डेट्स का लास्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, उसका जो लार्वा होता है उसी से कॉर्डेट्स की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तब आप कॉर्डेट्स पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस चीज की समझ होना बहुत जरूरी है कि क्यों हम स्टेप वाइज स्टेप विषय को पढ़ रहे हैं। पहले हम कोशिका पढ़ रहे हैं, फिर हम नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ रहे हैं, और फिर हम कॉर्डेट्स को पढ़ रहे हैं। और यही यही जो ज्ञान है, यही पूरा ज्ञान है कि किस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कहां से उत्पत्ति हुई, क्यों पहले नॉन कॉर्डेट्स कहां से आए, और फिर धीरे धीरे विकास के साथ कैसे कॉर्डेट्स का डेवलपमेंट हुआ। तो अब जो मेन डिफरेंस है, जो विभिन्नताएं हैं कॉर्डेट्स की एंड नॉन कॉर्डेट्स की, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं कि जो कॉर्डेट्स हैं, जैसे हम हैं, मानव है, मनुष्य है, आप किस में आते हैं, जो एनिमल किंगडम की किस कैटेगरी में हम लोग आते हैं, कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स। आप लोगों को पता है, आप लोगों की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको आप लोग वर्टिब्रा भी कहते हैं, और दूसरा इसको कॉर्डेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो हम, जिन लोगों के पास वर्टिब्रेट है, उसका भी शुरुआती जो विकास हुआ है, क्या पहले सीधे ही हमारी रीढ़ की हड्डी बनी, या इससे पहले ये किसी और रूप में प्रेजेंट होती है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में। इसीलिए आप इसको बोलते हैं कॉर्डेट्स, क्योंकि जो आप नॉन कॉर्डेट्स के बाद कॉर्डेट्स में आते हैं, उन जंतुओं के पास वर्टिब्रेट कॉलम न हो के पूरी कॉर्ड होती है, एक कॉर्ड होती है, इसीलिए कॉर्डेट्स कहते हैं। और धीरे 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 जब एडवांस होता है ऑर्गेनिक, जैसे मछलियां हैं या रेप्टाइल्स हैं या चिड़िया है, उनमें आप देखते हो, या ह्यूमन बीइंग्स हैं या मैमल्स हैं, उनमें जो है, जो वर्टिब्रल कॉलम है या रीढ़ की हड्डी है, वो पूर्ण रूप से विकसित होती है। तो कॉर्डेट्स के जो लक्षण हैं, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट,
जैसे कि आप मछलियों में देखते हैं, एम्फीबियंस में देखते हैं। एंडोस्केलेटन्स आर प्रेजेंट, जो स्केलेटन होता है पूरा कंकाल तंत्र होता है। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और जिसके एग्जाम्पल है फिशेस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। दूसरा, अगर हम बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स की, जिसको आके आप विस्तृत जो इसके मेंबर्स है उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, जैसे आपने केचुआ देखा है उसमें आपने देखा है वो नहीं खड़ा हो सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास खड़े होने के लिए उसके शरीर में कोई सपोर्ट नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, एक्सोस्केलेटन आर प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन का अर्थ होता है कि उसका जो बाह्य स्केलेटन है, जैसे आपने ऑर्थोपोड संघ में कॉकरोच देखा है, घरों में आपने कॉकरोच देखा है, तो उसके ऊपर का जो सतह जो होती है दैट इज एक्सोस्केलेटन। इसी तरीके से और भी फाइलम है, जैसे मॉलस्क होते हैं, उनके ऊपर घरों में आप देखते हैं बरसात में कि उनकी एक जो सख्त वाली जो बाहर का शेल होता है वो उनका एक्सोस्केलेटन होता है, लेकिन उनके पास कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। हीमोग्लोबिन व्हेन प्रेजेंट इट इज इन द ब्लड प्लाज्मा, जबकि जो कॉर्डेट्स हैं या कशेरुकी प्राणी हैं उनमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अब जो अकशेरुकी प्राणी हैं उसके आपके एग्जाम्पल प्रेटीहेलमिंथ्स होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, मॉलस्क होते हैं, और भी बहुत सारे जंतु जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो सब नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, एनिमल किंगडम है, वो किस तरीके से क्लासिफाइड है। तो अब हम बहुत ही फोकस कर रहे हैं नॉन कॉर्डेट्स या अकशेरुकी प्राणियों के बारे में। जो क्लासिफिकेशन है नॉन कॉर्डेट्स का वो इस तरीके से है। जो पहला फाइलम जो आप पढ़ते हैं वो प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, फिर पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथ्स, एस्केहेलमिंथ्स, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि हमारे ये नौ फाइलम नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ में जो पहला जो ऑर्गेनिज्म आप पढ़ते हैं, एनिमल जो आप पढ़ते हैं, जो जंतु आप पढ़ते हैं वो है अमीबा, जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, और पॉरीफेरा जो हम आज दो संघों के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा, जिसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा और स्पॉन्ज। नाउ फाइलम प्रोटोजोआ, कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ, दे आर यूनिसेल्यूलर एनिमल्स। इन दीज एनिमल्स लोकोमोशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया और फ्लैजेला एंड स्यूडोपोडिया। दे रिप्रोड्यूस जनरली थ्रू बाइनरी फिजन। दे आर यूनिसेल्यूलर एनिमल्स। आप सबसे पहले ये बात आपको बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए, यूनिसेल्यूलर एनिमल्स का अर्थ होता है एक कोशिका से बने हुए जंतु। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, क्या पैरामीशियम देख रहे हैं, अमीबा है, क्लमेडोमोनास है, ये सब सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। इनमें जो शरीर की संरचना होती है या अलग अलग अंग का विकास नहीं होता है अलग अलग कार्यों को करने के लिए। जैसे लोकोमोशन है, ये चलेंगे अगर तो इनके पास पैर नहीं होंगे। ये सीलिया, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं नीचे जो सीलिया, ये धागे सी संरचना है, इनको सीलिया या फ्लैजेला बोलते हैं, और जो इनके जो पैर से आपकी संरचना बनी है इनको स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मतलब झूठे और पोडिया का अर्थ होता है पैर, तो स्यूडोपोडिया मतलब झूठे पैर। दे रिप्रोड्यूस जनरली थ्रू बाइनरी फिजन। जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है, इस कार्य के लिए भी प्रोटोजोआ संघ के जो सदस्य हैं उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते, कोई मुख्य अंग नहीं होते। इनमें रिप्रोडक्शन भी बाइनरी फिजन, फिजन का मतलब होता है कि इनका अपना ही शरीर टूट कर दूसरा नया प्राणी बनाते हैं। कुछ इनके जो सामान्य लक्षण हैं,
वो मैंने आपको जैसे अभी बताया, यूनिसेल्यूलर एनिमल विद फुल फंक्शंस. आर यूकैरियोट्स एज दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, डिस्ट्रीब्यूट वाइडली, वाटर में होते हैं, सॉइल में होते हैं और भी कई जगह पाए जाते हैं. और इनकी जो टोटल स्पीशीज है वो लगभग कितनी है, 65,000. फ्री लिविंग मेजॉरिटी स्पीशीज है. कुछ पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स जैसे कि आपके जो शरीर में आपको कभी कभी डिसेंट्री की प्रॉब्लम होती है, अमीबिक डिसेंट्री जिसको बोलते हैं, तो वो पानी में इसकी प्रेजेंस के कारण हो जाती है. कुछ मेडिकल प्रोटोजोआ, जो पैथोजेनिक प्रोटोजोआ जैसे मैंने आपको बताया भी, कुछ अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स होते हैं. पैरासाइट मतलब जो दूसरे के शरीर पर प्रेजेंट होकर उसको नुकसान पहुंचाता है, जो जनरली नहीं पैथोजेंस होते हैं, नॉट नॉर्मली पैथोजेंस, बट दे बिकम पैथोजेनिक ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ होस्ट रेसिस्टेंस एंड दे हैव द क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द एड्स एपिडेमिक. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज द बेसिक स्ट्रक्चर. जैसे आपने पीछे अभी देखा कि अमीबा में, अमीबा का जो स्ट्रक्चर देखा, मैंने आपको बताया कि अमीबा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते, बहुत ही प्रिमिटिव संरचना है. यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, अमीबा वहां पर बना हुआ है. इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म में एक्टोप्लाज्म दैट इज यूज फॉर लोकोमोशन, इंजेशन एक्सेट्रा. देयर इज एंडोप्लाज्म वेयर मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस. देयर इज न्यूक्लियर, द वेसिक्यूलर फॉर्म और कॉम्पैक्ट फॉर्म. लोकोमोटिव ऑर्गेनिज आर स्यूडोपोडियम, फ्लैजेला एंड सीलिया. आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीलिया क्या है. सीलिया आर शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये बाल की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं. फ्लैजेला आर लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर्स एंड स्यूडोपोडिया आर एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी एंड दीज आर द फाइलम कॉमन नेम्स, देयर लोकोमोशन एंड मोड ऑफ एंड देयर एग्जाम्पल्स. तो पहला जो है फाइलम दैट इज सार्कोडिना, जिसका कॉमन नेम है सार्कोडाइन्स. इनके जो लोकोमोशन के ऑर्गन है वो स्यूडोपोडिया है और इसका जो उदाहरण है वो है अमीबा. दूसरे हैं सीलियोफोरा, जिनका कॉमन नेम है सीलिएट्स. इनमें जो लोकोमोशन या चलन की क्रिया होती है वो सीलिया के द्वारा होती है और जो इसका एग्जाम्पल है वो है पैरामीशियम. नेक्स्ट फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा या जू मेस्टिजीनिया. इसका कॉमन नेम है जू फ्लैजलेट्स. लोकोमोशन फ्लैजेले के द्वारा होता है और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज ट्राइपैनोसोमा. नेक्स्ट फाइलम इज एपिकॉम्प्लेक्सा और स्पोरोजोआ, जिसका कॉमन नेम है स्पोरोजोन्स. लोकोमोशन इज नन इन एडल्ट फॉर्म्स एंड द एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम, जो मॉस्किटो होता है. नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो इसमें प्रजनन होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही इसके सामान्य लक्षण में बता दिया है कि अमीबा में रिप्रोडक्शन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं. और जब कोई मुख्य ऑर्गन अंग नहीं है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर सेक्स ऑर्गन्स के एब्सेंट होते हैं. तो इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज बाइनरी फिजन. बाई मतलब टू, फिजन मतलब टूटना. इसका मतलब है कि रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल्स. जो आपने पीछे की स्लाइड देखी थी वो अमीबा जो बन रहा है, जो अमीबा है ये ब्रेक होता है दो अमीबा में. जो आप उसके अंदर गोले गोले देख रहे हैं दैट इज न्यूक्लियस. तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और एक से दो बन जाएंगे. तो इसको कहते हैं बाइनरी फिजन दैट रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल्स. साइजोगोनी, साइजोगोनी मींस मल्टीपल फिजन, एक से मल्टीपल, बहुत सारे बनना. रिजल्ट्स इन मल्टीपल सेल्स,
एंड एंडोडायोगनी. दिस इज बाय इंटरनल बडिंग. बडिंग मतलब जैसे आप देखते हैं कली निकलती है फूलों की, तो इसी तरीके की प्रोसेस अमीबा में भी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. एंड बाय इंटरनल बडिंग रिजल्ट्स इन टू सेल्स. इफ देयर इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम प्रोटोजोन्स दैट इज कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में देयर इज द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल्स ऑफ टू. दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो न्यूक्लियर मटीरियल होता है उसका एक्सचेंज होता है. एंड अनदर वन इज गैमेटोगोनी. द गैमेटोगोनी इज गैमेट सेक्सुअली डिफरेंशिएटेड सेल्स यूनिट और जाइगोट. सो दीज आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. And here again, you can see the large picture of the amoeba. तो आप इसमें बहुत ही clear, बहुत ही सुंदर amoeba को देख सकते हैं. ये naked eye से आपको इतना बड़ा नहीं दिखता है. ये microscopic है, बहुत ही छोटा होता है. जहाँ पर जिन labs में बहुत ही highly modified जो microscope है, उसके अंदर ही हम इसको देख सकते हैं. या आप जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है लेबोरेटरी में, आप उसमें देख सकते हैं छोटे छोटे अमीबा की. ये जो इसकी आउटर लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके सीरोपोडिया आप देख रहे हैं, उसके अंदर आप फूड वेक्यूल्स देख रहे हैं जो कि उसको न्यूट्रिशन में, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे कार्य करते हैं. एक्टोप्लाज्मा आप देख रहे हैं, एंडोप्लाज्म है, यूरोइड है, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल है. ये सब दीज आर दी डिफरेंट parts, organelles of amoeba. This is an electron micrograph of amoeba. यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो phagocytosis, मतलब कि ये किस तरीके से अपने खाने को खींचता है बाहर से अंदर. ये एक बहुत ही सुंदर प्रोसेस है. अगर आप लाइव कभी अमीबा को देखेंगे तो बहुत सुंदर दिखता है कि किस तरीके से वो अपने जो है स्यूडोपोडिया बना के अपने भोजन को अपने भीतर खींच लेता है. मूवमेंट ऑफ अमीबा. अब ये इसमें चरण की क्रिया कैसे होती है, रोलिंग मूवमेंट एंड वॉकिंग मूवमेंट. रोलिंग में आप देख रहे हैं पहले नंबर वन पे कि अमीबा वेरिकोसा शोइंग द रोलिंग मूवमेंट. तो जो रिसर्चर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स देखे कि उसके ऊपर कार्बन पार्टिकल अगर रख दिया तो वो किस तरीके से सबस्ट्रेटम या जो सरफेस जहां पर वो रहता है वो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है. आप पहले चित्र में देख रहे हो, अगर वो वहां पे रखा था कोई कण तो दूसरे में वो कहां पहुंच गया, तीसरे में वो नीचे आ गया, चौथे में फिर ऊपर आ गया. इसका मतलब वो रोल हो रहा है, घूमता घूमता जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या है इसका मूवमेंट, चलन की क्रिया. या फिर ये क्या कहता है नंबर टू देखेंगे आप कि अमीबा शोइंग वॉकिंग मूवमेंट, कि वो एक जगह अपने स्यूडोपोडिया को पहले अटकाता है फिर अपनी पूरी बॉडी को आगे लाता है. इस तरीके से इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है. तो अमीबा इस तरीके से इसमें चलन की क्रिया पाई जाती है, रोलिंग मूवमेंट एंड वॉकिंग मूवमेंट. सम अदर मेथड्स ऑफ मूवमेंट इन अमीबा आर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन चेन्स एंड अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन चेन्स. नाउ इंजेस्टिंग फूड्स इम्पॉर्टेंट वन, की अमीबा में जो न्यूट्रिशन और फीडिंग का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार होता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अमीबा इंजेस्टिंग फूड इम्पोर्ट ऑफ एल्गी सर्कम्फ्लुएंस एंड सर्कम्वेलेशन. आप पहले जो चित्र है आपका फिगर 7, अगर आप उसमें देखेंगे अमीबा इंजेस्टिंग एन एल्गा बाय इम्पोर्ट. जो एल्गी होती है पानी में, अमीबा क्या करता है उसके नजदीक जाकर उसको धीरे 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 जो है एल्गी उसके संपर्क में आएगी और उसके ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगी. ठीक है ना, तो खुद ही उसमें उसको खींच ले रहा है अपने अंदर. और अंदर जो है इसकी बॉडी में जो प्रोटीन्स एंजाइम्स जो होते हैं फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं. इसी तरीके से सर्कमफ्लुएंस आप देख रहे हैं दूसरा जो चित्र है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पानी में पैरामीशियम भी है, पैरामीशियम है और वो किसी अमीबा के संपर्क में आता है
तो अमीबा जैसे ही अपने भोजन को देखता है, आप देख रहे हैं उसको उस किनारे से उसने दो गोले के बीच में जो इनएक्टिव प्रे जो है वहां पर वो जाके धीरे धीरे अपने पैर बना लेता है, उसको घेर लेता है अपने भोजन को, और वो भोजन उसके अंदर फंस जाता है। उसके बाद भी पैरामीशियम बहुत छटपटाता है उससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन अभी तक अमीबा उसको पूरी तरीके से कैद कर चुका है। फिगर 8 में अगर आप देखेंगे, अमीबा फीडिंग बाय सर्कमफ्लुएंस, तो उसने उसको पूरे घेरे में बंद कर लिया है और वो उसको अपने अंदर एनकर्व कर लेता है और अंदर फूड वैक्यूल होती है जिसके अंदर इस भोजन का पूर्ण रूप से डाइजेशन हो जाता है। धीरे 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 पैरामीशियम को पूरी तरीके से खा जाता है। दूसरा जो है सर्कमवैलेशन, आप देख रहे हैं फिगर 9 में, अमीबा इंजेस्टिंग अ रोटिफर बाय सर्कमवैलेशन। यहां पर भी आप इसी तरीके की पोजीशन अमीबा को देखोगे कि जैसे ही एक्टिव प्रे इसके संपर्क में आता है, इसके स्यूडोपोडिया जो है एक फूड कप बना लेते हैं और उस भोजन को अपने अंदर ले लेते हैं और फूड वैक्यूल के अंदर इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। इसीलिए अमीबा को एक डेंजरस हंटर भी कहते हैं, और पैरामीशियम तो इसका ऐसा फूड है कि जहां इसको मिला एक शिकारी की तरह काम करता है, ये अपने भोजन को ले लेता है। ये भी डिफरेंट प्रोसेस है कि सीडोपोडिया, आप देखिए इमेजिनेशन के किस तरीके से जो है अपने फूड को, जहां फूड उसके संपर्क में आता है वो उसको एनसर्कल कर लेता है, घेरा बना लेता है और उसको अपने अंदर ले लेता है, जिस प्रोसेस को इमेजिनेशन कहते हैं। इसी तरीके से ये एक अगर डिफरेंट जो है साइंटिफिक, फिर हम जो लेबोरेटरीज में, ये बहुत ही सेंसिटिव भी होता है, इसको अगर स्टिमुलाई अलग अलग दे हम तो ये अलग अलग उसमें अलग अलग रिएक्ट करता है। ये मैंने आपको बताया है कि बाइनरी फिजन जो इसमें रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जो मियोसिस और माइटोसिस की क्रिया के द्वारा पूर्ण होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से आपके दो सेल्स का निर्माण होता है, एंड दीज आर दी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दे सिंगल सेल और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स। वन ऑफ द अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज दैट एनसिस्टमेंट एंड मल्टीपल फिजन। एनसिस्टमेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्री लेयर्ड सिस्ट वॉल एंड फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई and formation of pseudopodia spores and formation of amoeba from the spores, and the figure A, B, C, D, and E, you can see there are different species of amoeba, amoeba proteus, verrucosa, discoides, amoeba radiosa, and dubia. These are the different, this is a picture, it can show ki jo alag alag tarike hain, jo modes hain reproduction ke, वो इस प्रकार टाइप ट्रैपेनोसोमा में, युगलीना में इस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। कंजुगेशन, दीज आर सम पिक्चर्स, तो मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले। और इस तरीके से हमने जाना कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है, फाइलम प्रोटोजोआ में प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म आते हैं नॉन कॉर्डेट्स के, जिसका मेंबर अमीबा आपने पढ़ा, किस प्रकार अमीबा में फीडिंग हैबिट्स क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, लोकोमोशन किस प्रकार से होता है, और ये एक पैथोजन के रूप में भी कार्य करता है। तो यहीं पर हम अपना लेक्चर को समाप्त करते हैं।